और आज भी नित्य लीला में विराजमान है। उन्हीं की कथाओं को आज हम लोग स्मरण करने के लिए यहाँ उपस्थित थे। तो वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, वे हमें आज उनकी गुणगान को सुनाएंगे। आज हमारे मंत्र में पहले पर पूजवासी गोविंद महाराज जी कुछ कथा प्रस्तुत है। गुरुवे गोचंद्राय भक्तिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय प्रधान प्रसार तूफान बदन वैशिष्ट गायक की आत्म बदनी हम सबके परम प्रिय काम कारण नारायण रोशनी उनकी कीर्तन से उनकी सरकार पुष्पांजलि प्रदान कर श्रीमान भागवत ने भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवी परम आत्मीय बांधव परम तीर्थ स्वरूप भगवान ये तीनों हमारे
रक्षो पालो। और प्रेम दाता है, कठिनों के बिना जीवन धारण भी उचित नहीं है। पूज्यवाद नारायण श्री महाराज की अद्भुत चरिता पालन करने के लिए पुत्र जी समुद्र स्वरूप चरित्र पालन वस्तु पावन चरित्र नहीं कर सकते हैं। उनकी दृष्टि जब लोग सुनेंगे पुत्र भाव से पुष्पांजलि स्वरूप अष्टक से उन्हें उनके चरणारविंद में पहले पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। उसके बाद विराह पुष्पांजलि हम विष्णु पादं वरदं वरेण्यं सदे परे दिबुधं प्रशन्तम् रूपानुगत जलधर मधुर्जं नारायणकं गुरुमानतस्मि सर्वं सुवर्णं दिव्यवांशदीपं सुहासभं चितरम्भवक्त्रं नरोत्तमं नचिकुला नारायणकम्
रक्षा कर लेना तो ठीक है। परम महंत प्रभाव महानुभाव वस्तुमा प्रबंध प्रेम मैत्री कृपा अब सदगुणों से परिपूर्ण हमारे पूज्य सबके प्रिय वस्तु अवस्त सज्जन दुर्जन सब पूज्य मानन शरण बरण और हमारे पूज्य बाबा जी हमारे जितने आचार्य है सब आचार्यों के लिए मानन पत्र कृष्ण शक्तिमान विष्णु शक्ति बिना नहीं आज प्रवर्तन कलिजुग धर्म है नाम संकीर्तन चैतन्य चरितामृत कृष्ण शक्ति बिना इस प्रकार प्रसार संभव नहीं है। कृष्ण कृपा शक्ति के लिए विराट क्षेत्र से निरातक से हमारे प्रभु पद में गौरव भूमि में आए शतकोटी नाम जज्ञ के अनुष्ठान के बाद पंचतत्व के आदेश थे जब प्रचार कार्य करने लगे तो मान लो वैष्णव लोग ननावत उनके चरणार्थ आए आश्रित होते उनके आदेश थे प्रचार आरंभ होता और शिष्य प्रशिष्य के द्वारा गुरु मनोविष्ट प्रयोग करने वाले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती दर्शन एक अवतंश स्वरूप है हमारे नारायण विश्व इसमें उत्पत्ति नहीं इसलिए नमस्कार करके उनके चरणारविंद में मेरे पुष्पन बल प्रदान करती हूँ। नमो विष्णु पादाय गौर विष्णु प्रियाय श्रीमाते भक्ति वेदांत नारायणाय ते नमो श्री चैतन्य महाप्रभु देन विज्ञापितं मतं वागतो भक्ति वेदांत नारायण जतिमहं श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को प्रीति पर प्रसार करने वाले श्री भक्ति वेदांत नारायण श्री पाद वहां चले गए। विज्ञात शास्त्र तात्पर्य सद्गुणो कीर्ति मंडित भगतो राग मध्वी को वैशिष्ट गायकाग्रणी शास्त्र तात्पर्य वेता सद्गुण कीर्ति मंडित राग मार्ग वैशिष्ट गायक का अग्रगण्य श्री भक्ति वेदांत नारायण श्रीमान हम सब की छोड़ के कहा सरस्वत कुलतंशु भागवत गुणान्वय भगवतो पंडित मनो गौर कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के खुद का अवतरित स्वरूप भागवत गुणाश्रय पंडित जनों के मान्यो तथा गौर कृष्ण के पार्षद प्रभा श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहा चले गए। अपसिद्धांत दंतार्थ श्रद्धालोक मुदिंदुक गुर्वाभीष्ट
विश्वादर्श मंदिर अपसिद्धांत अंधकार के विनाश में भास्कर की भांति तेजस्वी सद्धर्म रूप प्रमोद के प्रकाश में चंद्रमा की पात्र दीक्षा स्वादी गुरुदेवतात्मा गुरुदेव मनोविष्टकारी गोस्वामी जनों के अदाशवन नारायण सिद्धांति कुल बांधव वरण वृंदवंदित भगत न तो सर्वस्व विश्वविद्युत वैष्णव अहो दिज वंश का प्रदीप सिद्धांत सिद्धांत कुलों के बांधव प्रभार प्रणोत दिनों के सर्वस्व विश्व विस्तृत वैष्णव प्रभार चलो भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण कहा चल गया प्रीति मैत्री कृपा कंद नित्यानंद प्रकाशकम भगतो केशव स्वामी श्रीधरो पद संपदम प्रीति मैत्री और कृपा से संपन्न नित्यानंद प्रकाश विग्रह श्रील केशव गोस्वी महाराज श्रील स्वामी गोस्वामी महाराज एवं श्रील सिद्धार्थ गोस्वी महाराज के संपाद स्वरूप श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वी महाराज का स्वरूप माधुर्योदार्ज भावार्ज गौरियादर्ज शेखर भगत माधव प्रेमानंद तीर्थ वनाश्रय माधुर्य और उदार्य भावार्थ गौड़ी आचार्य शिखर श्रीपाद माधव महाराज श्रीपाद प्रेमानंद प्रभु श्रीपाद तीर्थ महाराज और श्रीपाद वन महाराज के आश्रय स्वरूप श्रील भक्ति वेदांत नारायण श्री महाराज कहा जीव प्रबोधने दक्ष सौभाग्य साधु सुभूषण स्वागत वस्तवानंदी सदाचार चरित्रवान जीव प्रबोधन में सर्वदा दक्ष सौभाग्यवान साधुभूषण वस्तव के आनंददायी सदाचार चरित्रवान श्री भक्ति वेदांत नारायण श्री महाराज कहा चलते नष्टी कहो शस्त्र से प्रमाणीकस्तु नैतिकम् भगवतो रसिकानन्दि वदना भगवन्तात्मज चर्चितम् अपने सेवकों की सेवाओं में नष्टिक प्रामाणिक प्रभाव तथा परमार्थ नीति प्राय रसिक जनों के आनंद प्रद भगवन चतुर्ज से चर्चितम् श्रील भक्ति वेदांत नारायण श्री महाराज कहाँ चले सद्ग्रंथादि सदाचार संपादक श्री प्रिय भगत श्री विनोदांग्री मकुदंत मधुप्रदम सद्ग्रंथादि तथा देश विदेश में भक्ति सदाचार संपादक सुधीर प्रिय श्री दादा विनोद बिहारी के पाद पद्म के मधुपाई श्री भक्ति वेदांत नारायण श्री महाराज कहा चले गए दीक्षा शिक्षा गुरु सता सद्यां पद्मदेश भगतो दिनवत्सल बरो प्रतीत पावन साधु जनों के दीक्षा और शिक्षा गुरु तथा सज्जनों के धर्म मार्ग प्रदर्शक दीनवत्सल महाप्रतीत पावन श्रील भक्ति नारायण श्री आगुरो तिरोधाने त्री सज्जन वस्तवा गुणानी ते स्मरन्नाहो विलपन्ति सदाशयम् गुरुदेव आपके तिरुधान सज्जन वैष्णव जनु आपकी गुणावली स्मरण करते विलाप कदा ते चरणो प्रंते बसंतव कथामृतम् एवानि वैष्णवी पुनः तद्धि तद्विदेहि कृपानिधिम् तब आपके चरणारविंद प्रांत बैठकर आपके मुखारविंद से निगलित श्रीपति कथामृत पान करूंगा।
है कृपा मुझे का विधान सन्निधंते महोदयो दाते जन्मनि जन्मनि अदर्शन्ति तथा पार्थं कृपां कुरु नमस्ते हे महामहिम तथा पावन सन्निध प्रति जन्म में मानती हूँ आपका आदर्श भी हमारा हमारे भक्त में है कृपा कीजिए तो नमस्कार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अददान त्रिनंदन त्रिगम दाची पुनर्पुन हिमद्रूप पदम नारायण अभी हमारे मंदिर में सृष्टि भक्ति सुंदर भक्ति सर्वोत्तम श्री गोविंद महाराज जी आज पुष्पांजलि और मैं निवेदन करूंगा सभी भक्ता लोग बोल सकें इसलिए आज पुष्पांजलि के रूप में कुछ कथाओं को प्रस्तुत करें समय को वंदे अहम शिवगुरु सिद्धपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वरत्नं संपन्नं जीवं साद्वैतं सावधानं परिहासितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादं सगन ललिता श्री विशाखा नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमती भक्ति वेदांत नारायण इति नामे पतितानां पावनेभ्यो हमने बहुत बड़े आश्रय से वंचित हो गए पूज्यपाद नारायण महाराज जी गौरी वैष्णवों के लिए बहुत बड़ा आश्रय थे श्री प्रभुपाद के गण चले जाने के बाद हम आश्रयहीन महसूस करते थे कि हमारा सिर के ऊपर कोई नहीं है और लेकिन पूज्यपाद महाराज जी को पाने के बाद वो जो हमारे अभाव का कमी दूर हो गया पर विधाता उसको भी हरण करके ले गया है इस जगत के नीति है कहने का कुछ नहीं एक एक महापुरुष आते हैं चले जाते हैं हमको सूचना दे के जाते हैं बड़े मूर्ख जीव अरे मूर्ख तुम्हें मालूम नहीं है इस प्रकार से जाना पड़ेगा देखो मैं जिस प्रकार से जा रहा हूं अपने कर्तव्य को साधन करते हुए
क्या कर्तव्य है? हरि भजन और विश्व में हरि कथा प्रचार। इस प्रकार से आप भी आना, ईश्वर चरण लेकर के चले जाते हैं। बस्तर में महाराज के जो अभाव है इसको तो पूर्ण कर ही नहीं सकता, पूर्ण हो भी नहीं सकता। महाराज के जीवन चरित्र के बारे में क्या कहूं? मैं छोटा सा एक श्लोक उच्चारण करते हुए जल्दी से जल्दी समाप्त करूं। श्रीमद् भागवत में, भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद में आता है, देवहूति माता को भगवान कपिल देव ने उपदेश देते हुए कहते हैं, अनेक प्रकार के उपदेश देने के बाद कहते हैं, मां इतने उपदेश आप कहां कहां तक याद रखोगे, कहां कहां तक पालन करोगे? तो एक काम करो, साधु संग। तो माता देवभूति ने पूछा, साधु का लक्षण क्या है? कैसे लक्षण युक्त साधु का संग मैं करूं? उस समय जो कहा था साधु का लक्षण, तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। तितिक्षा सहनशीलता, तितिक्षव कारुणिक जिसके प्रति करुणा, सृजित सर्वदेही न देवी मात्र का ही सुही, अजात शत्रु उनका कोई जगत में शत्रु नहीं है, ना तो वो अपने आप दुश्मन है, ना कोई दुनिया को वो दुश्मन देखते। शांता साधु साधु शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ये गुण संपन्न। तो ये सारे गुण हमारे महाराज में ही था, हमने दर्शन किया। उसके बाद कहते हैं उनका असली स्वरूप सुनो साधु का, मैं अनन्य भाविन भक्ति कुर्वंती ये दृढ़ा मदर्थे त्यक्त कर्मा त्यक्त सजन बांधवा मदश्रय कथा मृष्टा श्रेणु कथन च। साधु का लक्षण, मैं अनन्य भाविन भक्ति कुर्वंती ये दृढ़ा, मां जो अनन्य भाव से मेरे में भक्ति संपन्न है, दृढ़ भक्ति, अचला भक्ति, सचला भक्ति नहीं। हमारा भक्ति के कभी दुनियादारी को स्वार्थ में टूट भी जाता है, गुरु जी के प्रति श्रद्धा कम हो जाता है, हमारा दुनियादारी को उस स्वार्थ में व्याघात आ जाए ना, अपने काम में गुरु जी के प्रति श्रद्धा कम हो जाता है, ऐसे नहीं। वही अनंत भाव भक्ति कुर्वंती ये दृढ़ मदर थे त्यक्त कर्मा, मेरे लिए समस्त शास्त्र वेद विधान को भी जिन्होंने परित्याग कर देता है, जरूर पड़े त्यक्त सजन बांधवा इष्ट मित्र पिता माता घर बार सबको परित्याग, मदाश्रया कथा मृष्टा। तो ऐसे साधु अपने जीवन को कैसे धारण करते हैं? कहते हैं मदाश्रया कथा मृष्टा, मेरी कथा को लेकर ही जीवन धारण करते हैं, मेरी कथा को सुनते हैं और बोलते हैं।
जी ने वही भूल देखा। समस्त जीवन इस प्रकार से गुरु निष्ठा, संप्रदाय के प्रति अतुट निष्ठा और उसके बाद हरि कथा सारे विश्व में प्रचार, उनमें ये सारा गुण है। अतः ऐसे जो साधु है उनका संग करने के लिए बताया। तो ऐसे साधु तो मैं तो देख रहा हूं, हमारे पूज्यपाद नारायण पुष्पी महाराज में एक गुण था। महाराज जी में क्या कहूं, उनके स्नेह को तो भूल ही नहीं सकता। मुझे याद आता है मैं यहां इस श्री विक्रम प्रतिष्ठा के समय आया था, मैं तो ऐसे नीचे बैठा हुआ, महाराज जी ऊपर बैठे, ऊपर बैठे भाषण समाप्त हुआ, अब ठाकुर जी का मंदिर खोलने के लिए जा रहा है, इतना भीड़ सब भीड़, उस भीड़ में कैसे जब महाराज जी, हम महाराज जी ने देखा ये तो पीछे रह जाएगा, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं कर पाएगा, महाराज जी के स्नेह कैसा है। तो मेरे को सामने देख रहे चल 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 करके एकदम अपने आप ढके सामने लेके गए हम, क्योंकि महाराज जी के लिए रास्ता छोड़ दिया ना, उसके साथ मेरे को पूछो ऐसे उनकी। कभी भी कोई विपत्ति में चाहे संशय में, चाहे शास्त्र के विचार हो, चाहे मन सेवा के विषय, कोई विषय आश्रय के कोई भी संकट आता है, सीधा नारायण महाराज जी के पास। कितने बड़े आश्रय थे, हम कितने बड़े आश्रय से वंचित हो गया है। महाराज जी परम दयालु भी थे, वो ऐसे उनमें मैंने एक गुण देखा, अमानी मानंद, इतने बड़े प्रचारक, इतने बड़े विश्व पूज्य व्यक्ति होते हुए भी हमने जैसे मेरे जैसे पुत्र जिनका भी खबर करता, मैंने एक बार केशव जी गोरे मन गए थे, महाराज जी घर में बैठे हुए थे, मैं ठाकुर जी को प्रणाम करके मैं उधर से आ रहा था, महाराज जी से फिर मिले नहीं। उतने में मैं आ ही रहा था वहां से नीचे उतरने के लिए, एक ब्रह्मचारी आकर के महाराज जी आपको स्मरण करते हैं। अच्छा, मैं लज्जित हो गया, जाकर के महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी कहते हैं, अरे तुम मेरे से मिले बिना कैसे जा रहे हो, बड़ा लज्जित हो गया। देखो मेरे जैसे खुद्र के खुद्र जीव को भी स्मरण में रखते हैं महाराज, कितने कितने विपत्ति में महाराज जी ने सहयोग दिया है, सहायता किया, वो तो कहने की बात नहीं। और एक घटना मैं बताऊं महाराज जी के, मैं एक बार बहुत बड़ा विपत्ति में पड़ गया, बहुत बड़ा, अब मैंने सोचा भाई आप तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब क्या करो क्या करो। उस समय महाराज जी वहे थे गोपीनाथ भवन में, तो महाराज जी के पास गया, सेवक लोग लेके गए महाराज जी का, उस समय पीछे की तरफ बारंडा में मालिश हुआ, महाराज जी को शरीर मालिश किया। ऐसी स्थिति में भी पराया नहीं समझ करके अपना समझ के उन्हें बुला लो, मैं गया महाराज के पास, जाकर के प्रणाम किया, बताया महाराज ऐसे भी विपत्ति आया। महाराज जी ने बोल दिया मेरे से संभव नहीं, उन्होंने बोला मेरे से संभव नहीं है, जाओ
गुरुजन के स्मरण करो, प्रभुपाद के स्मरण कर लो, कुछ भी उपाय देख लो। मैं तो एकदम हताश होकर के आ रहा था, क्या करो क्या करो क्या करो, महाराज जी ना करके। लेकिन भीतर से उनके स्नेह था, मेरे प्रति एक बार करुणा दृष्टि से देखा, ये विपत्ति भी पड़ गया। उसके बाद मैंने पहुंचा स्थान पर जहां जो घटना है, पहुंचते ही एक ऐसे रास्ता निकल आया, एक समझौता हो गया। समझौता के लिए वो व्यक्ति तैयार हो गया, समझौता मतलब खुशी की बात है। मुझे वो बात याद आ रहा था जैसे कि वो जो पुरी में कौन पटन है, वो चंग में सराया गोपीनाथ पटन है, को उस समय महाप्रभु जी, मैं नहीं जानता हूँ जगन्नाथ का शरण ले बचाना हो तो महाराज जी भी ऐसे ही बोल दिया, जब गुरुपुर का स्मरण करो, प्रभुपाठ का स्मरण करो, मेरे से कुछ नहीं। लेकिन अंदर से स्नेह था, महाप्रभु का जिस प्रकार से गोपीनाथ पट्टनायक के प्रति स्नेह था, अंतिम क्या हुआ उसकी जगह उनको कहा चांद में चराना है, वहां से उनको एक बना और दीवना पट्टन दे करके फिर उनको उठा। उसी प्रकार से महाराज जी के स्नेह दृष्टि से मैंने बहुत बड़ा एक विपत्ति से पार हुआ। इस प्रकार से महाराज के अशेष गुण है, सारे विश्व के हरिनाम के तरह कृष्ण नाम के तरह प्रभावित कर दिया। ऐसे महापुरुष, ऐसे महान पुरुष का जो विरह है, उनके विच्छेद चरित्र विरह ये तो सब कोई महसूस हो ही रहा है। तो मैं अधिक समय नहीं देते हुए, क्योंकि महाराज के महिमा को सुनने के लिए आया हूँ, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हुए हैं, इनके मुखारविंद से सुनकर के अपने आप को कृतकृत्य करने के लिए मैं आया हूँ। पंचा कलपतरुभश्च कृपा सिंधुभेव च वैश्वे भो नमो।